नमस्कार शिक्षार्थियों, मैं डॉक्टर किरण लता डंगवाल, शिक्षा शास्त्र विभाग, लखनऊ विश्वविद्यालय लखनऊ से NIOS के स्टूडियो में आपका स्वागत करती हूँ। आज चर्चा का विषय रहेगा पर्यावरण अध्ययन हेतु ICT का प्रयोग। जब भी हम ICT की बात करते हैं या जब भी हम किसी भी संसाधनों की बात करते हैं, तो ये अति आवश्यक है कि इनके बारे में पहले जानें कि और कौन से संसाधन होते हैं जिनका कि हम प्रयोग पर्यावरण अध्ययन हेतु करते हैं। उससे पूर्व थोड़ा सा ये भी जानने का प्रयास करना पड़ेगा कि पर्यावरण अध्ययन किसे कहते हैं। पर्यावरण अध्ययन में शिक्षण अधिगम हेतु शैक्षिक संसाधनों का प्रयोग अति महत्वपूर्ण है। इन्हीं संसाधनों के द्वारा पर्यावरण अध्ययन की अवधारणाओं को स्पष्ट किया जा सकता है, ताकि मनुष्यों, संस्कृति तथा जैविक भौतिक वातावरण के साथ सहसंबंध स्थापित किया जा सके। पर्यावरण अध्ययन में अधिगम संसाधन वे वस्तुएं होती हैं जो बालक में रचनात्मकता व सृजनशीलता में वृद्धि करती हैं तथा ज्ञानात्मक योग्यता, सक्षमता एवं कुशलता को बढ़ाती हैं। पर्यावरण के अध्ययन हेतु बहुत सारे संसाधन होते हैं, जिसमें कि ये संसाधन आते हैं, जैसे स्थानीय संसाधन हैं, कुछ प्राकृतिक संसाधन होते हैं, कुछ मीडिया संसाधन होते हैं, कुछ प्राविधिक संसाधन होते हैं। तो इन सब संसाधनों का प्रयोग पर्यावरण के अध्ययन हेतु किया जाता है। अब जब हम ICT की बात करते हैं, तो इसमें प्रौद्योगिकीय संसाधन और दूसरे मीडिया संसाधन आते हैं। और ये जो संसाधन होते हैं, इन दोनों संसाधनों के मिलने से ही ICT बनता है, जिसमें कि सूचना और संचार प्रौद्योगिकी का जब भी हम प्रयोग करते हैं तो ये शिक्षार्थी केंद्रित होता है, जो पारस्परिक शिक्षण को बढ़ावा देने में भी सहायता करती है। पर्यावरण अध्ययन हेतु इन संसाधनों का प्रयोग कक्षा में विभिन्न प्रकार के शिक्षण, सीखने के तरीकों, शिक्षण को और अधिक रोचक और प्रभावी बनाने के लिए किया जाता है। कक्षा में छात्रों की भागीदारी के लिए अधिक अवसर भी प्रदान करते हैं जितने भी ये ICT के उपकरण होते हैं, ICT का जब भी हम प्रयोग करते हैं, और इसके द्वारा बच्चों में स्थायी विकास की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। इसलिए एक शिक्षक के रूप में ये अति आवश्यक है कि ICT के एकीकरण को समझें और ICT के कौशलों का विकास स्वयं में करें, जिससे कि आप बच्चों को भी बहुत अच्छी प्रकार से बता सकें कि इन ICT के उपकरणों का प्रयोग करके कैसे हम अपने पर्यावरण के विषय में अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो जैसा कि आप शब्द देख सकते हैं कि ICT का तात्पर्य है कि इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। जब हम प्रारंभिक अवस्था में जाएं या बहुत पहले की अगर बात करें, तो हमारे पास जो उपकरण होते थे वो केवल सूचना प्रदान करने वाले होते थे, जिनके माध्यम से हमें कोई भी सूचना आसानी से मिल जाती थी। उनको हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कहते थे, सूचना तकनीकी कहते थे। इसीलिए उस समय कहा जाता था कि ये सूचना तकनीकी का युग है। लेकिन आज के दौर में जब समय के साथ साथ चीज़ें परिवर्तित होती गई, तो वही सूचना प्रदान करने वाले जो यंत्र थे वो संप्रेषण की उनमें एक जो विशेषता थी वो भी समाहित हो गई। वही उपकरण थे जो कि एक दूसरे को संप्रेषण करने में, अंतःक्रिया में करने में भी काम आने लगे। तो तब ये सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी कहलाने लगी। और जब हम टी की बात करते हैं, तो इसमें दो तरह के शब्द समाहित होते हैं। टी यानी टूल्स एंड टेक्निक्स, यानी उपकरण और उन उपकरणों को प्रयोग करने का तरीका। तो ये सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी की जब भी हम बात करते हैं, तो ICT का तात्पर्य है कि तकनीकी उपकरण और संसाधनों के विभिन्न सेट्स के रूप में इसको परिभाषित किया जा सकता है, जो कि संवाद, सूचना, सूचनाओं का भंडारण, सूचनाओं का प्रसार और सूचनाओं के प्रबंधन को करने में कार्य आता है। इसी प्रकार से जब हम ICT को देखें, तो ICT के तीन घटक होते हैं। तीन घटकों में पहला घटक है जिसमें कि संचार है, उसकी अवसंरचना आती है।
भौतिक दूरसंचार प्रणालियाँ और नेटवर्क इसके अंतर्गत आता है, और इन्हीं चीज़ों को प्रयोग करने वाले जो भी तरीके हैं वो सारी, जैसे इसके उदाहरण स्वरूप आप देख सकते हैं कि इंटरनेट, ईमेल और भी बहुत सारी जानकारियाँ। इसके अतिरिक्त जो दूसरा घटक होता है वो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, जो कि सूचना संग्रहण, भंडारण, प्रसंस्करण और प्रस्तुति को दर्शाती है। तीसरे घटक की अगर हम बात करें तो सूचना, और जिसको हम कह सकते हैं कि संचार प्रौद्योगिकी, जिसके द्वारा कि हम संप्रेषण आसानी से कर सकते हैं, वो घटक आते हैं। जैसे उदाहरण स्वरूप हम देख सकते हैं कि दूरसंचार, ईमेल, चैट इत्यादि, इस तरह की जो जानकारियाँ जिनके द्वारा हमें मिलती है और इन जानकारियों को हम प्रसारित भी कर सकते हैं, और दूरी, समय और स्थितियों के बावजूद छात्रों और शिक्षकों के बीच में ये बातचीत को बहुत आसान बना देता है। तो ये तीसरी श्रेणी के घटक होते हैं आईसीटी के। अब अगर हम आईसीटी के विभिन्न उपकरणों की बात करें तो इसमें तीन प्रकार के उपकरण आते हैं, जैसे कुछ श्रव्य उपकरण होते हैं, कुछ दृश्य उपकरण होते हैं और तीसरा है श्रव्य और दृश्य उपकरण। आईसीटी के उपकरणों द्वारा ज्ञान के अधिग्रहण की सुविधा और कक्षा में छात्रों द्वारा उचित समझ को हम बहुत ही आसानी से विकसित कर सकते हैं। और जब भी हम आईसीटी के उपकरणों की बात करते हैं तो ये कोई एक तकनीकी नहीं होती है कि एक व्यवस्था या एक तकनीक, बल्कि ये हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और मल्टीमीडिया और डिलीवरी सिस्टम का संयोजन होती है। ये इन सारी चीज़ों को मिलाकर एक व्यवस्था बनती है, तब हम इसको आईसीटी कहते हैं। अब आईसीटी के उपकरणों को अगर हम इसके जो हार्डवेयर के जो तत्व हैं उनको देखें तो वो भी बहुत सारे होते हैं, जैसे डेस्कटॉप है, नोटबुक है, हैंडहेल्ड कंप्यूटर है, इस तरह के जितनी भी चीज़ों का प्रयोग हम एक भौतिक वस्तु के रूप में करते हैं वो सारे इसके हार्डवेयर के रूप में आते हैं। और दूसरी श्रेणी होती है इसकी सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर यानी कोई भी चीज़ को, जैसे कि हमें लिखना है, कोई अंकों का कार्य करना है, तो उसके लिए विभिन्न सॉफ्टवेयर होते हैं, वर्ड प्रोसेसिंग के सॉफ्टवेयर, स्प्रेडशीट, ट्यूटोरियल आदि बहुत सारे सॉफ्टवेयर होते हैं जिनका की प्रयोग हम आईसीटी के उपकरणों के रूप में कर सकते हैं। और अगर हम इनको एक मुख्य श्रेणियों में बांटें तो हम इसको देख सकते हैं कि इसकी हम चार श्रेणियाँ बना सकते हैं आईसीटी के उपकरणों की। जैसे पहली श्रेणी है इसकी सूचनात्मक उपकरण। सूचनात्मक उपकरण यानी कि जो एक शिक्षक की आवाज़ होती है, जो हमारा जो विषय वस्तु होती है, जो चित्र होते हैं या वीडियो होते हैं, यानी जो भी चीज़ें हमें सूचना प्रदान करें, जो भी उपकरण हमें सूचना प्रदान करने में सहयोग कर रहे हैं, वो सभी आईसीटी के सूचनात्मक उपकरणों के अंतर्गत आते हैं। दूसरे उपकरण का जो वर्गीकरण है उपकरणों का, वो है स्थिति उपकरण। कई बार आपने देखा होगा कि बच्चों को एक वास्तविक दुनिया का अनुभव कराने के लिए कुछ ऐसे उपकरणों का प्रयोग किया जाता है जिसमें कि 3D इफेक्ट दिखाई देता है और बच्चा ये महसूस करता है कि हम ही उस स्थिति में हैं। अगर वो वीडियो गेम खेल रहा है और किसी जंगल की उसको यात्रा करनी है, वो जीप में बैठकर स्वयं यात्रा करना है, इस तरह का एहसास दिलाना है, तो इस तरह के उपकरणों का प्रयोग किया जाता है। इस तरह का जो उपकरण होते हैं वो सिमुलेशन होते हैं, गेम होते हैं, आभासी वास्तविकता यानी वर्चुअल रियलिटी वाले जो उपकरण होते हैं, ये सारी चीज़ें हैं स्थिति उपकरण के अंतर्गत आती हैं। इसके बाद होती हैं रचनात्मक उपकरण। जैसा कि शब्द से ही पता चल रहा है कि ये वे उपकरण होते हैं जो कि किसी भी चीज़ के रचना में या कोई भी नई चीज़ के सृजन में काम आते हैं। इसमें डेटाबेस, स्प्रेडशीट, नेटवर्किंग और भी बहुत सारे ऐसे टूल्स होते हैं जो कि बच्चा अगर जानना चाहे, सीखना चाहे, समझना चाहे और नई नई चीज़ों को अपने आप बनाना चाहे, तो इस प्रकार के उपकरण उसके लिए बहुत ही उपयोगी होते हैं। इसके पश्चात आते हैं संवादात्मक उपकरण। जैसा कि शब्द ही आपको बता रहा है कि जिन उपकरणों की सहायता से हम संवाद कर सकते हैं, हम संप्रेषण कर सकते हैं, हम एक दूसरे से बातचीत कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर कि
अगर एक व्यक्ति भारत के किसी एक हिस्से में है और दूसरा व्यक्ति किसी दूसरे प्रदेश में है और हम एक दूसरे से आपस में बात करना चाहें, तो ऐसे बहुत सारे आईसीटी के उपकरण होते हैं जिनके की माध्यम से संवाद बहुत ही आसान हो जाता है, जिसके उदाहरण हैं वेब एप्लीकेशन, बुलेटिन बोर्ड, चैट, टेलीकॉन्फ्रेंसिंग आदि। यानी सामग्री की प्रकृति और छात्रों की सीखने की शैली के अनुसार ही आईसीटी के विभिन्न प्रयोग होते हैं, क्योंकि आईसीटी का जो प्रयोग होता है वो बहुत कुछ निर्भर करता है आवश्यकता पे, हमें किस चीज़ का ज्ञान देना है, किसके बारे में बताना है। क्योंकि यहाँ पर हम बात कर रहे हैं पर्यावरण अध्ययन की, तो पर्यावरण अध्ययन में किस प्रकार से ये आईसीटी के उपकरण हमारे लिए उपयोगी हो सकते हैं, इसकी ही चर्चा हम आपसे कर रहे हैं। तो पर्यावरण अध्ययन में महत्वपूर्ण जो कार्यात्मक क्षेत्र होते हैं, जैसे कि वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, शोर प्रदूषण, मृदा और भूविज्ञान, और जो खतरनाक और ठोस अवशिष्ट होते हैं उनका प्रबंधन, भूमि उपयोग आदि का जो भी अध्यापन हम करते हैं वो आईसीटी उपकरणों के माध्यम से बहुत आसानी से कर सकते हैं। इसके कुछ उदाहरण के तौर पे आपको बताना चाहेंगे कि अगर हम सबसे पहले बात करें कि मीडिया संसाधन कौन कौन से हो सकते हैं आईसीटी के जो अंतर्गत आते हैं, तो जैसे कि स्थानीय और राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय पत्र पत्रिकाएं, ये इस तरह की पत्र पत्रिकाएं हैं जो कि केवल इसके लिए बनी हैं, जो कि सीधे सीधे ज्ञान देती हैं पर्यावरण के विषय में, कि पर्यावरण में कौन सी शक्तियाँ हैं, कौन सी प्रक्रियाएँ चल रही हैं, कौन से तत्व हैं, इन सब की जानकारी, और समय समय पे कौन से परिवर्तन हो रहे हैं, किस जंगल में क्या हो रहा है, इस तरह की जानकारियों को एकत्र करके इसका ज्ञान हम बच्चों को दे सकते हैं। दूसरे होते हैं कि टेलीविज़न चैनल्स, जिसमें कि बहुत सारे चैनल्स ऐसे होते हैं जिसके माध्यम से हम पर्यावरण के विषय में बहुत अच्छा ज्ञान बालकों को दे सकते हैं, और बच्चे बड़े उत्साह और मनोरंजन के साथ इन चीज़ों को सीखते हैं। इसके उदाहरण है जैसे कि डिस्कवरी, द नेशनल ज्योग्राफिक, डाउन टू अर्थ, या इस तरह के बहुत से और भी चैनल हैं कि ट्रैवल एंड लिविंग, और जो कि केवल फोकस्ड होते हैं पर्यावरण अध्ययन से संबंधित, जो पर्यावरण के ही विषय में जानकारी प्रदान करते हैं। इसके अलावा रेडियो के बहुत सारे कार्यक्रम होते हैं, रेडियो के कार्यक्रम जैसे ज्ञान भारती, विविध भारती, जिसमें कि पर्यावरण से संबंधित बहुत सारी चीज़ों का प्रसार किया जाता है। इसके अतिरिक्त पर्यावरण से संबंधित बहुत सारी वेबसाइट, पोर्टल, जिसमें कि जो कि आईसीटी उपकरणों के अंतर्गत आते हैं, और बच्चा स्वयं स्व अधिगम द्वारा भी चीज़ों को सीख सकता है, कंप्यूटर में बैठ के सीख सकता है, इंटरनेट पर सर्फिंग करके चीज़ों को सीख सकता है। और इसके अलावा चित्र, कार्य, प्रदर्शन, पोस्टर, कोलाज, इस तरह के भी बहुत सारे ऐसे संसाधन हैं और जो आईसीटी के उपकरण होते हैं कि जिनके माध्यम से बालक बहुत अच्छे से चीज़ों को सीख सकता है। अब इन चीज़ों का एक शिक्षक का कर्तव्य बनता है कि इन चीज़ों को प्रयोग करने के लिए वो बच्चों को कैसे सिखाए, क्या करें वो व्यवस्था कि बच्चे अपने आप इन चीज़ों से स्व अधिगम कर सकें, आईसीटी उपकरणों का पर्यावरण की चीज़ों को सीखने के लिए प्रयोग कर सकें। उदाहरण स्वरूप जैसे बच्चों को प्रोत्साहित करना, बच्चों को इसके लिए एक छोटा सा प्रोजेक्ट कार्य दिया जा सकता है, जैसे कि उससे कहा जाएगा कि पिछले एक महीने में आपके घर में जो भी समाचार पत्र आए हैं और उसमें पर्यावरण संबंधी अगर कोई भी समाचार है तो उसको काटिए और उससे एक पोस्टर बनाइए। तो इस तरह की चीज़ों को करने से बच्चा अपने आप जानता है कि किस तरह से हम जानकारियों को, सूचनाओं को समाचार पत्र के माध्यम से एकत्र कर सकते हैं। इसी प्रकार से और भी चीज़ें हैं, और बहुत ही उपकरण जैसे कि मोबाइल, अगर हम मोबाइल का प्रयोग करते हैं तो मोबाइल के प्रयोग के द्वारा भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि हम बच्चों को वास्तविक चीज़ों का अनुभव करा सकते हैं। जैसे अगर हम प्राचीन काल में देखें या कुछ समय पूर्व देखें तो किसी स्थान की या भौगोलिक जगहों की जानकारी के लिए हमें बहुत बड़े बड़े मानचित्र रखने पड़ते थे, और उन मानचित्र की सहायता से हम
अपनी स्थिति और या किसी जंगल की या किसी भी स्थान की स्थिति को जान पाते थे। लेकिन अब अगर हम मोबाइल में जीपीएस सिस्टम का प्रयोग करें या मोबाइल के द्वारा ही गूगल की कुछ एप्लीकेशंस का प्रयोग करें, जिसके द्वारा बच्चा बहुत आसानी से ये जान सकता है कि ये स्थिति कहाँ पे है, कहाँ पे ये चीज़ें हैं, ये विश्व के मानचित्र पे या भारत के मानचित्र पे ये जगह कहाँ पे पाई जाएगी, तो मोबाइल का प्रयोग हम इस प्रकार से बच्चों को प्रेरित कर सकते हैं कि मोबाइल का प्रयोग हम इन चीज़ों की जानकारियों के लिए करें। इसके अतिरिक्त हमें मौसम की जानकारी लेनी हो तो भी हम मोबाइल का प्रयोग, मोबाइल में अनंत बहुत सारी इस तरह की एप्लीकेशन का दिन प्रतिदिन आविष्कार हो रहा है कि बच्चे उनको जाने सीखें तो वो स्व अधिगम द्वारा पर्यावरण के विषय में बहुत सारी चीज़ों को जान सकते हैं। इसके अलावा कंप्यूटर का प्रयोग, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ये कंप्यूटर का युग है और कंप्यूटर के बिना बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो अधूरी रह जाती हैं। तो पर्यावरण अध्ययन की जब भी हम बात करें या पर्यावरण अध्ययन में बहुत सारी जानकारियों को हम कंप्यूटर और इंटरनेट के माध्यम से बहुत आसानी से जान सकते हैं। जैसा कि अभी आपसे चर्चा की थी कि इंटरनेट में बहुत सारी ऐसे पोर्टल हैं, ऐसी वेबसाइट्स हैं, कंप्यूटर में हम बच्चों को प्रोजेक्ट का कार्य दे सकते हैं। कुछ नहीं तो जो इस उम्र के बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, 6, 7, 8 वर्ष की उम्र के, उनको बहुत उत्साह आता है कि चीज़ों को कलाकारी द्वारा, संगीत द्वारा सीखने में, चित्र बनाकर सीखने में, तो कंप्यूटर का भी प्रयोग बच्चों को कि उनको एक कार्य दे दिया कि आज आपको कंप्यूटर में एक सीनरी बनानी है। तो बच्चे जो चीज़ें, जो उनके मस्तिष्क में चीज़ें होंगी, जो बच्चों के दिमाग में होंगी कि सीनरी किस तरह की हो सकती, एक प्राकृतिक पर्यावरण किस तरह का हो सकता है, तो कंप्यूटर में एक पेंट ब्रश उपकरण का प्रयोग करके बच्चे स्वयं पहाड़, नदी, पेड़ पौधे, इन सबको बना के अपने आप चीज़ों को सीख सकते हैं और अपनी रचनात्मकता को भी बढ़ा सकते हैं। इसी प्रकार से कैमरे का प्रयोग, अगर कैमरे की बात करें तो कैमरा भी एक बहुत ही प्रभावशाली उपकरण होता है आईसीटी का, जिसके माध्यम से बच्चा सीखता है। अगर हम पर्यावरण के बारे में बात करें, पर्यावरण की चीज़ों के बारे में बात करें, तो इसमें अगर हमें, क्योंकि बच्चों को ये हमें प्रोत्साहित करते रहना चाहिए कि जो कैमरे जैसा उपकरण है वो प्राकृतिक दृश्यों को, जैसे चिड़िया अगर कहीं पे बैठी है और हम उसको, उसके पास जाएंगे तो वो तुरंत उड़ जाएगी, तो जो उसकी स्वाभाविक क्रिया है या जो स्वाभाविक रूप से जो प्रक्रिया करती रहती है वो हम नहीं जान पाते। तो दूर से कैमरे के माध्यम से हम उस चित्र को खींच सकते हैं, बाद में उसको देखकर चीज़ों को समझ सकते हैं। इसी प्रकार से कैमरे का प्रयोग वीडियोग्राफी में की जा सकती है कि प्राकृतिक दृश्यों को हम दूर से खींच सकते हैं। इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण आपको इसमें देख सकते हैं कि एक बालक द्वारा किस तरह से छोटा सा एक कैमरे के द्वारा चित्र लिया गया, कैसे उसने वीडियोग्राफी की। इससे बच्चों में स्व अधिगम की भावना भी पैदा होती है और ये जो उसने चित्र खींचा है, ये जो उसने वीडियोग्राफी की है, ये स्वयं के ही आंगन में बच्चे द्वारा किया गया कार्य है। तो इस तरह से बच्चों को प्रोत्साहित किया जा सकता है कि छोटे छोटे जो कार्य होते हैं, छोटे छोटे उसको प्रोजेक्ट दिए जा सकते हैं कि वो बच्चा इस तरह के जो भी प्राकृतिक दृश्य हैं, मान लीजिए वर्षा हो रही है, कई बार हम वर्षा का अनुभव नहीं कर पाते हैं, तो वर्षा का अनुभव अगर हम नहीं कर पाते हैं तो उन चीज़ों को वीडियोग्राफी के द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है और बाद में उसी को प्रोजेक्ट में, अपने कंप्यूटर के प्रोजेक्ट में हम प्रदर्शित कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त जब हम कोई भी चीज़ें, जैसे कि जितने भी हमारे आईसीटी के उपकरण हैं, तो जो जब हम एक शिक्षक होने के नाते इन चीज़ों का प्रयोग बच्चों को कैसे सिखाएं, तो जैसे इसमें पहला प्रयोग आ सकता है आपका कि कोई भी जानकारी को एकत्र करना है तो आप बच्चों को प्रेरित करिए कि छोटी छोटी जो भी जानकारी आपको पर्यावरण से संबंधित एकत्र करनी है, उसके लिए आप आईसीटी के विभिन्न
उपकरणों का प्रयोग करें, उनको छोटी छोटी क्रियाएं दीजिए कक्षा में कि आज आपको सिर्फ मोबाइल का प्रयोग करना है जो और जानकारियां लेकर आनी है, या आपको आज सिर्फ समाचार पत्रों का प्रयोग करना है और पर्यावरण संबंधी ये जानकारियां एकत्र करनी है। इसी प्रकार से जो पर्यावरण के जो पूर्व अनुमान होते हैं, आप छोटे बच्चों को इसका भी एक कार्य दे सकते हैं कि कल का मौसम कैसा रहेगा, इसकी जानकारी आप लेकर आइए, तो बच्चा खुद ही एक उत्साहित होता है कि कैसे हम इन चीज़ों को मोबाइल के द्वारा, कंप्यूटर के द्वारा इन चीज़ों को एक ट्रेस करें, कैसे इन चीज़ों को जाने, कैसे जो कल होने वाला है उसको आज ही कैसे जाने। तो ICT के जो उपकरण हैं इससे संबंधित, उनका प्रयोग करना बच्चों को सिखाएं। इसके अतिरिक्त इनका प्रयोग प्राकृतिक और मानव निर्मित आपदाओं के प्रभाव का पूर्वानुमान और निगरानी करने के लिए तो किया ही जाता है, इसके अलावा बच्चों को जो स्वच्छ पर्यावरण के लिए, जो जैसे कि हम कह सकते हैं कि कचरे का प्रबंधन करने के लिए, सुरक्षित जो जो भी सुरक्षा से संबंधित चीज़ें हैं उनको जानने के लिए, रिसाइकलिंग के लिए, छोटी छोटी फिल्मों का प्रचार करने के लिए हम ICT के उपकरणों का प्रयोग करवा सकते हैं। जैसे नदी का संरक्षण करना है, ग्रीन ट्रिब्यूनल, टिकाऊ तटीय विकास, औद्योगिक प्रदूषण प्रबंधन के लिए विभिन्न प्रकार के जो ऑनलाइन अभियान चल रहे हैं उनको, उनके विषयों की जानकारी हम कंप्यूटर के द्वारा और विभिन्न ICT के उपकरणों के द्वारा बहुत आसानी से दे सकते हैं। इसके अलावा पर्यावरण की चीज़ों को सीखने और सिखाने के लिए सहयोगात्मक अध्ययन भी बहुत आवश्यक है। जब हम ICT के उपकरणों का बच्चों से प्रयोग कराते हैं तो जब हम इसको आपस में एक कोलैबोरेटिव लर्निंग या सहयोग के द्वारा कराते हैं तो बच्चे ज़्यादा अच्छे से सीखते हैं, क्योंकि कुछ बच्चे मोबाइल से अधिक प्रभावित होते हैं तो कुछ कंप्यूटर से, तो किसी को समाचार पत्र पत्रिकाएं अच्छी लगती हैं, तो बच्चे जब आपस में मिलजुल कर कोई प्रोजेक्ट का कार्य करते हैं तो वो उनके लिए समझना और सीखना बहुत आसान हो जाता है। इसके अतिरिक्त पर्यावरण अध्ययन को सबकी पहुंच तक पहुंचाना, अगर आपने जैसे उदाहरण के तौर पे गौरैया, एक जो पक्षी हुआ करता था, या अभी भी जो गौरैया जैसी पक्षी जो कि हमारे लिए दुर्लभ होती जा रही है, तो अगर कहीं पे हमने वीडियोग्राफी की या कैमरे से उसको लिया तो हम इसको साझा कर सकते हैं अपने दूसरे बच्चों के साथ, कक्षा में शिक्षक को दिखा सकते हैं, यानी कि प्राकृतिक दृश्यों को सबकी पहुंच तक हम इन ICT उपकरणों के द्वारा बहुत आसानी से दिखा सकते हैं। पहाड़ी क्षेत्र में रहने वाले बच्चे बहुत आसानी से मैदानी क्षेत्रों को, वहाँ के पर्यावरण के विषय में बता सकते हैं और मैदानी क्षेत्र वाले उनको बता सकते हैं। इसी प्रकार से पर्यावरण अध्ययन की गुणवत्ता में भी वृद्धि की जा सकती है, क्योंकि कोई भी चीज़ है, कोई भी विषय वस्तु है, उसको और प्रभावशाली और उसकी गुणवत्ता में वृद्धि करने के लिए हम बहुत तरह तरह के ICT के उपकरणों का प्रयोग कर सकते हैं। पर्यावरण संबंधी जागरूकता बढ़ाने में ICT उपकरणों का बहुत अधिक उपयोग हो सकता है, क्योंकि छोटी छोटी बातें कई बार होता है जो कि एक बालक बहुत आसानी से हो सकता है न समझ पाए, लेकिन जब हम उसको वो दिखाने के लिए ICT के उपकरणों का प्रयोग करते हैं, जैसे कि समुद्र की लहरों को दिखाना, सुनामी कैसे आता है वो दिखाना, ज्वालामुखी का फटना, इस तरह की चीज़ों को बताना, और एक प्रोजेक्ट कार्य मान लीजिए एक विद्यालय में कुछ बालकों ने किया और उन्होंने एक छोटी सी वीडियो बनाई कि हम घर में कचरे का प्रबंधन कैसे करते हैं, तो वो वीडियो की जैसे जो हमारे जो रिसाइकिल हो सकती हैं चीज़ें उनको अलग रखना, पॉलीथीन कागज़ उनको, उस कचरे को अलग रखना, फिर जो जिनको कि हम दोबारा प्रयोग में कर सकते हैं या खाद बना सकते हैं जिन चीज़ों का, उनको हम अलग डिब्बे में रख रहे हैं, तो इस तरह की छोटी छोटी जानकारी या प्रोजेक्ट कार्य अगर एक विद्यालय के बच्चे करते हैं और साझा करते हैं दूसरों के साथ, तो वो भी इन ICT उपकरणों के माध्यम से जागरूकता को बढ़ाते हैं दूसरे बच्चों में भी। तो इस प्रकार से देखा हमने कि जो ICT के उपकरण हैं पर्यावरण अध्ययन में एक बहुत ही उपयोगी और महत्वपूर्ण
और शिक्षार्थी केंद्रित उपकरण है। धन्यवाद।